फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन देर शाम तक 7 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें अलग अलग विषयों पर आधारित रहे, जिनमें मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत, भाजपा शासन के 8 साल में लोगों के जीवन में आया बदलाव, अमृतकाल की तैयारी और घर घर राष्ट्रीय ध्वज विषय मुख्य रूप से रहे। शिविर में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुज्जर, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने शिविर में रखे गए विषयों पर जानकारी दी। कार्यकर्ताओं को अलग अलग विषयों पर अलग अलग नेता अलग अलग बात रख रहे हैं और यहाँ बात भी रखी जाती है और उसके बाद फिर प्रश्न पूछने के लिए भी समय दिया जाता है। जो कार्यकर्ताओं की शंकाएं होती हैं उनका उसमें उत्तर दिया जाता है, उनको क्लियर किया जाता है। देखिए, सुबह का सत्र नेतृत्व विकास कार्यकर्ता विकास पर था, उसके बाद का दूसरा सत्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कल्चरल नेशनलिज्म, क्योंकि भारत जो राष्ट्र किसी एक राज्य से नहीं बना, भारत यहाँ की कल्चर के कारण एक देश बना है। यहाँ राज्य तो छोटे छोटे बहुत सारे थे, दुनिया के बहुत सारे देश इसलिए बने कि उनका राज्य एक था, हमारा देश इसलिए एक है और इसी कारण से एक बना कि उसकी कल्चर एक थी, आसेतु हिमालय। 8 साल पहले सुबह उठते थे तो समाचार पत्रों में कोई ना कोई घोटाला होता था, आज कोई समाचार पत्र में इस तरह की खबर सुनने को नहीं मिलती। और हर क्षेत्र में, गरीबों के जीवन में, किसानों के जीवन में, मजदूरों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में, छात्रों के जीवन में, उद्योगपतियों के जीवन में, सैनिकों के जीवन में इतने बदलाव आए हैं। अब सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया था, गरीबों के लिए योजनाएं बनाकर उसका सैचुरेशन किया जाता है, 100% उसका इम्प्लीमेंटेशन। जब भी कोई प्रशिक्षण शिविर होता है तो बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। निश्चित ही आज के जो दोनों सत्र थे बहुत ही अच्छे वक्ता थे। पहला सत्र हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी ने लिया था, नेता में क्या गुण होने चाहिए, किस तरह से कार्यकर्ताओं से व्यवहार होना चाहिए, बहुत विस्तार से उन्होंने।